नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल में। देखिए, काफ़ी सारे सेशन आप लोगों के लिए लगातार आते जा रहे हैं, CGL 2019 स्पेशल, यानी जो भी बच्चे अभी करंट में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए हमारा एक प्रयास जारी है कि भाई अधिक से अधिक कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट दिया जाए, और ना केवल कंटेंट दिया जाए, साथ के साथ ये बताया जाए कि भाई ये सब जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं आपको कैलकुलेशन से किस तरीके से टैकल करने हैं। देखिए, बनाना तो आप भी जानते हैं, आपको भी पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ठीक है, पर मेन जो कहानी है वो अटकती है सॉल्यूशन पे कि भाई सॉल्यूशन हमारा छोटे से छोटा कैसे हो सकता है। यानी आप ये देखते हैं कि भाई लगातार हम जो काम कर रहे हैं वो कैलकुलेशन स्किल पे कर रहे हैं। कैलकुलेशन स्किल एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, देखिए, जो ना हर किसी के पास नहीं है, पर जो इंस्पेक्टर है उसके पास ज़रूर है, ठीक है। तो आप में से जितने भी इंस्पेक्टर हैं तो ये बात माननी पड़ेगी आपको कि आप इंस्पेक्टर तभी हैं जब आपके पास वो स्किल्स हैं उन चीज़ों को सॉल्व करने की। और अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, देखिए, क्वेश्चन तो बहुत लोगों को आते हैं, लगभग सभी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का प्यार जिस तरीके से हमारे साथ है, तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि भाई ये प्यार यूं ही बना रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेशन आप लोगों के लिए लाते रहें। आज का भी एक स्पेशल सेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट टू। पहला पार्ट आप देख चुके हैं, CPO 2019 के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए थे। उसके बाद कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में और भी जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाए जाएं। फिर हम ये भी कोशिश करेंगे कि भाई ये जो क्वेश्चन आज तक ऐसे आ रहा था, अब ऐसा नहीं है ना कि हर बार क्वेश्चन उसी तरीके से आए, तो आपको माइंड किस हिसाब से घुमाना है वो मेन चीज़ है, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे आने वाले सेशंस में। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाग दो, पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, लाभ और हानि में सबसे बेहतरीन बात ये रहती है कि अगर आप अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, तो काम हो जाएगा बहुत आसान। और अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मुझे इंस्पेक्टर बनना है, उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और उसके अंदर क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके लिए मेरे को क्वेश्चन बनाने हैं, तो एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको इंजॉय करना है इस चीज़ को, जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक नहीं करेंगे, तो वाकई में आप उस चीज़ के इतने करीब नहीं जा पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में भी यही करने की। पहला क्वेश्चन है आपका ये, जिसके अंदर बोला गया है कि भाई किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, ठीक है, और उसे 540 में रिटेलर खरीदता है, जिसको दो छूट मिलती हैं, पहली 25% की, दूसरी बतानी है आपको कितने रुपये की, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखें, बहुत बेस क्वेश्चन, अब कई बच्चे इसके लिए भी लिखना शुरू कर देते हैं। लिखना क्या है, डायरेक्ट देखते हैं ना, देखिए 800 रुपये की चीज़ है, 25% अगर डिस्काउंट मिल गया, यानी 200 रुपये का तो डिस्काउंट हो गया, अब बचे 600 रुपये। अब 600 रुपये की जो चीज़ थी वो मिल रही है 540 की, 600 रुपये की चीज़ पे 60 रुपये का डिस्काउंट और मिल रहा है, 60 रुपये का यानी 10% का, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। देखिए, कोई नहीं देखने वाला कि एग्ज़ाम में आपने ये लिखा है नहीं लिखा, कि भाई 800 रुपये की चीज़ थी, 25% डिस्काउंट मिल गया, 200 रुपये कम हो गए, और अब ये 600 रुपये की हो गई, फिर उसके बाद आपने क्या करा, 600 रुपये की चीज़ 540 में बेची जा रही है, इसका मतलब 60 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 600 रुपये पर अगर 60 रुपये का डिस्काउंट है, तो सीधी सी बात है 10% का आपका डिस्काउंट आ जाएगा, पर एग्जामिनर ये नहीं चेक करने वाला, तो इसलिए कोशिश करिए इसको ना लिखने की। यहाँ लिखने से देखिए क्या नुकसान हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नंबर हमें लिखने पड़े, और जिसे बिना लिखे आपका काम चल सकता था, सीधा देखते और आंसर आ जाता, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूँ, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आइए देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में जो बोल रहा है आपको, 10% की छूट देने के बाद, अब देखिए लाभ और हानि की सबसे खास बात, लाभ और हानि में सबसे खास बात ये रहती है कि आप खुद को इमेजिन कर लीजिए उस जगह। अगर आप देखते हैं 300 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, उसको 5% प्रॉफिट पे बेचता है, 5% प्रॉफिट पर अगर बेचता है तो 315 रुपये में बेच देगा, ठीक है, 315 रुपये, 5% इसका जोड़ दिया इसके अंदर,
पर 315 रुपये में बेच रहा है 10% छूट देने के बाद, ठीक है, 10% छूट देने के बाद वो इसे 315 में बेच रहा है, तो यानी आप बोलेंगे कि भाई 90 की वैल्यू 315 हो गई, ठीक है, 100 की कितनी होगी ये आपको निकालना है। आप देखते हैं तो 7 का मल्टीपल आ जाएगा, 7 का मल्टीपल इसलिए क्योंकि अगर आप 9 से काटते हैं, देखिए इसे तो ये 10 हो गया, 9 से काटते हैं इसे, 9 3 27, 9 5 35, 7 इसके अंदर आ रहा है, तो 7 का मल्टीपल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी पे बेस आपका क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 300 रुपए की चीज है, 5% का फायदा हुआ, 315 में बेची गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं डिस्काउंट कितना दिया गया, 10%, तो आप देखते हैं डिस्काउंट अगर 10% हो गया, यानी कहने का मतलब है 90 यूनिट की वैल्यू 315 है, 100 यूनिट की क्या होगी, ठीक है। दूसरा आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं, जैसे कि भाई एमपी बाय सीपी आपका 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस डिस्काउंट होता है, जैसे एमपी ये हो गया, सीपी ये हो गया, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट आप यहां लिखते हैं जो कि 105 हो गया, और ये हो गया आपका 90, ठीक है, क्योंकि ये 100 माइनस डिस्काउंट हो गया, क्योंकि 10% की छूट दी जा रही है अगर 15 से काटते हैं, तो ये 6 आ गया और ये 7 आ गया, और 6 की वैल्यू आपको 300 दे रखी है, 7 की वैल्यू निकालनी है तो 7 का मल्टीपल ही आएगा, 350 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, एक ये और एक ये, दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना ये अगर आप करते हैं दोनों में से किसी तरीके से, पेन मत लगाइए, बेस क्वेश्चन है, सीधा देखिए 90 105, 90 105 का मतलब हो गया 15 से काटते हैं 7 6, यानी 6 अगर सीपी है तो 7 एमपी है, 6 की 300 7 की कितनी हो गई 350, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि देखते ही हो गया होगा, आई परचेज 100 किलोग्राम ऑफ टी एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट। देखिए क्या कह रहा है, अगर मैं 100 किलोग्राम चाय खरीदता हूं तो मुझे फायदा कितना होता है, फायदा मुझे उतना होता है जितना मैं 40 जितने में मैं 40 किलोग्राम चाय खरीद पाता, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम की कीमत 1 रुपये है तो मैंने 100 रुपये की चीज खरीदी, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो गया 40 रुपये का हो गया, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा, देखिए पूरी वीडियो जो है ना आपको लास्ट तक देखनी है, और आप ये देखिए कि लिखने वाला पार्ट मैं कितना इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्लास के अंदर, तो जितने भी सेशन अभी तक आए या आगे भी जितने भी सेशन आएंगे उसमें ना केवल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्जाम में आपको चीज़ें टैकल किस तरीके से करनी है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, हम सीधा देखते 100 रुपए की चीज खरीदने पर 40 रुपए का फायदा, तो 40% फायदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 98496, एक चीज पे 3 लगातार छूट मिलती है, 3 लगातार छूट मिल रही है, तो उसके बाद वो इतने में बेची जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है शुरुआत में अंकित मूल्य कितना था, अब क्वेश्चन देख के आपको समझ जाना चाहिए, तो लेंथी क्वेश्चन है, काफी टाइम लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे किस तरीके से टैकल करते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए 10 रुपए की चीज 9 में, जैसा कि हम सभी करते हैं, इसमें 5% मतलब हो गया 1/20, यानी 20 की चीज 19 में बेची जाएगी, और 4% का मतलब हो गया 1/25, ठीक है, 25 की चीज 24 में बेची जाएगी, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है कि जितने में बेची गई है वो आपको दे रखा है 98496, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है,
ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट है बहुत ज़्यादा। अब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि क्या वो पूरा पहले इसे मल्टीप्लाई करता है, फिर इसे यहाँ ले जाता है, फिर इसे यहाँ ले जाता है, फिर डिवाइड करता है, फिर मल्टीप्लाई करता है, क्या इतना समय है उसके पास एग्ज़ाम में? आप खुद सोचिए, ये चीज़ें घर पे सोची जाती हैं, ऐसे नहीं कि आप एग्ज़ाम दे कर आए, आपको लगा यार क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, क्योंकि TCS ने बनाया था। अब बात बात पर TCS को दोषी ठहराना ठीक नहीं है कि भाई TCS ने बनाया था। और देखिए जो ये कहते हैं ना कि TCS ने बनाया था, अब पैटर्न ऐसा हो गया वैसा हो गया, लगातार बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी नाकामियां भी के। आपको ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस कल भी वही था, आज भी वही है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा वैसे ही रहेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर कभी इस तरीके से पूछी जा सकती हैं, कभी कान ऐसे पकड़ेगा, कभी कान ऐसे पकड़ेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉन्सेप्ट है, पेपर चाहे कोई भी बनाए, आपका माइंड जो है अडेप्टेबल होना चाहिए। अगर यहाँ पर आता हूँ मैं, कैलकुलेशन करता हूँ, देखिए अगर मैं 9 से ही काटता हूँ, कैलकुलेशन के दो तीन तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं देखता हूँ कि भाई लास्ट डिजिट तो काम नहीं करेगा, अगर मैं देखता हूँ डीएस के लिए 9 से काटना पड़ेगा, या एमजी कॉन्सेप्ट निकालता हूँ तो भी मेरे को डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, 9 से अगर मैं काटता हूँ, ये 10 बारी में गया, ये 9 बारी में गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं 3 से काटता हूँ, क्योंकि इसमें 3 है, तो आप देखते हैं 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 आ गया, बच्चा 1 3 6 18, 3 4 12, 3 8 24, ये आ गया। अब मेरा काम है बहुत आसान, वो किस तरीके से, मैं इतने ध्यान से अगर इसमें देखूं कि भाई यहाँ पर 6 4 3 8, इसके अंदर 3 आ रहा है, 6 4 10 8 18 3 21, इसका मतलब अंकों का योग 3 आ रहा है, तो जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। अब आंसर 3 का मल्टीपल तो आएगा, पर वो 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 9 नहीं आ रहा, ना यहाँ पर 9 आ रहा। तो आप देखते हैं 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 9 का नहीं होना चाहिए, केवल 3 का होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? पहला ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो मुद्दे की बात है, ये कैलकुलेशन इसी तरीके से की जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं इसे इधर गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, इसे डिवाइड करूंगा, एक एक करके काटूंगा और पूरा कैलकुलेशन करूंगा, तो आपको पहले ऑप्शन पे भी नज़र मार लेनी चाहिए, ऑप्शन कितने बड़े बड़े हैं। तो इतना टाइम ना आपके पास होता नहीं है एग्जाम में, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप डीएस भी लगा सकते हैं इसके बाद। और जिसने डीएस नहीं देखा है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो डीएस कॉन्सेप्ट की वीडियो देखें मेरी, जिसमें मैंने सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई हैं। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि भाई ये काफ़ी जगह आप लगा सकते हैं डीएस और एमजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए आते हैं इस क्वेश्चन पे। 530 रुपए की एक चीज है जिस पे दो लगातार छूट दी जाती है और इतने की बेची जाती है, पहली छूट इतने की थी तो दूसरी बताइए कितने की थी। एक तरीका तो ये है, देखिए बात समझिएगा, दो मेथड है आपके पास यहाँ, अब वो डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सा लगाते हैं। अगर 530 रुपए की चीज है, 15% की छूट मिल गई, यानी 15% कितना हो गया, 15 5 75 हो गया, 15 3 45 हो गया, ठीक है, तो 79.5 हो गया। ठीक है, अगर 79.5 आप इसमें से घटाएं, ठीक है, तो ये हो गया 450, ठीक है, और हो गया 450.5, ठीक है, और बेका जा रहा है 396.44 में, अब मेन बात यह है कि भाई इतने रुपए का हो गया 15% की छूट के बाद। अब आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ये तो मैंने लिख दिया, ये मेरा आंसर आया या आपका आंसर नहीं आया, बात समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है। मैंने लिखा ये डायरेक्ट कि भाई 450.50 आ गया, कैसे आ गया, परसेंटेज की क्लास देखिए, जितने भी मैंने पुराने सेशन लिए हैं, परसेंटेज के अंदर मैंने आपको बार बार ये समझाया कि भाई ये छोटी छोटी कैलकुलेशन एग्जाम में लगातार दिक्कत करेंगी आपको, तो आपको वो टैकल किस तरीके से करनी है। क्या आप एग्जाम में डायरेक्ट जाके कूद के देखेंगे क्या कि भाई इस कैलकुलेशन आई है, इन चीज़ों के लिए आज से तैयारी करिए। कंटेंट पढ़ाने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको कंटेंट पढ़ा देंगे, और यहाँ का वहाँ का फालतू का सब कंटेंट पढ़ लेंगे, पर मेन बात यह है कि जो आ रहा है क्या आप उसे बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 15%, मैंने सीधा निकाल लिया, ये इतना आ गया,
15 5 75 हो गया, 15 3 45 हो गया, ठीक है। तो मैंने देखा 75 और 45 कितना हो गया 79.5, फिर मैंने देखा 79.5 मैं इसमें से घटाता हूँ, तो मैंने पहले 80 घटा दिया, 80 घटाने पर 450 पे पहुँच गया। अब 0.5 और ऐड कर दिया, ये आ गया। अब इसमें से मैं ये घटाता हूँ तो देखिए 0.06, ठीक है, ये आ गया। इसमें से अगर आप ये घटाते हैं, ये आ गया 4 आपका, 4 आने पर क्या हो गया 400 हो गया, ठीक है। और आपके पास कितना है 450.50, तो 54.06 आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखें ध्यान से, आपको क्या निकालना है, 450.50 की चीज थी, इस पे डिस्काउंट मिल रहा था आपको 54.06, ये आपका डिस्काउंट था, ठीक है। अब देखने वाली बात जो है, अब ध्यान से समझिएगा, ये मैंने लिख तो दिया यहाँ पर, अब बहुत बच्चे इसमें भी काटना शुरू कर देंगे, ऊपर नीचे काटा फिर आंसर निकाला, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि टाइम लगेगा, पहले तो ये निकालने में टाइम लगाओ, फिर ये घटाने में टाइम लगाओ, घटाने के बाद ये आ गया, फिर इसे डिवाइड करने में टाइम लगाओ, ये सारा टाइम आपका लगेगा ही लगेगा। अब आपने ये देखा कि अगर ध्यान से देखें कि भाई नीचे वाले के अंकों का योग क्या है, 5 है, ऊपर वाले के अंकों का योग क्या है, 6 है, तो 6 दुनी कितना हो गया 12, क्योंकि नीचे 5 होता है तो ऊपर 2 आता है, ठीक है, तो 6 दुनी 12 यानी 3, तो जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, तो DS 3 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। मैं ना ये भी देख सकता था, बात समझिए, मैं ये भी देख सकता था कि भाई इसके अंदर 6 आ रहा है, यानी ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, पर 3 से भाग होने वाले यहाँ दो ऑप्शन है, एक ये एक ये, दोनों ही ऑप्शन आपके 3 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज नहीं देखी। अब देखिए दिमाग में सोचिए बहुत ध्यान से, हम केवल कंटेंट पे काम नहीं कर रहे, कैलकुलेशन स्किल पे भी काम कर रहे हैं। अब मेरे पास मान लेते हैं दो ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, इसमें 7 आ रहा है, 15 7 105 होता है, क्या इसमें 7 आ रहा है? अगर आप 7 से भाग करते हैं, 7 के लिए क्या डिविजिबिलिटी होती है, आखिरी 3 में से शेष घटाइए, 401 आ गया, 401 7 से भाग हो रहा है, 7 5 35 बचा 5 नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है भाई 105 तो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये क्या है, ये केवल ये है कि नंबर की अंडरस्टैंडिंग है और कैलकुलेशन स्किल है। तो पहला तरीका आपका ये आ गया। अगर मैं दूसरे तरीके पे आता हूँ, दूसरा तरीका यहाँ पर है, अगर आप देखते हैं 530 रुपए की राशि है, पहले 85% 15% डिस्काउंट हो गया, यानी 85% हो गया, ठीक है। अब 100 - x/100, और ये दिमाग में सोचने वाली बात है, और ये कितना आ गया 396.44, ठीक है, ये आ गया। अब बात को ध्यान से समझिए, अगर मैं अंकों के योग पे काम करता हूँ, इसका अंकों का योग कितना हो गया, ये 8 हो गया, इसके अंकों का योग 8 8 और 5 13, यानी 4 8 4 32, यानी 5, ठीक है, ये 8 हो गया, ठीक है, ये 8 और 5 13 हो गया, 13 का मतलब 4 आ गया, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई 8 और 4 32 हो गया, 32 का मतलब 5 आ गया, 5 × 100 - x, मैं केवल DS पे काम कर रहा हूँ, 5 अगर नीचे जाता है तो ऊपर 2 आता है, तो 8 × 16 यानी 7 हो गया, तो इसमें से x घटाने पर अंकों का योग 7 आना चाहिए, DS 7 होना चाहिए आपका। 10 में से क्या घटाने पर 7 आता है, 3 घटाने पर 7 आता है, मैंने देखा 10 में से 8 घटाने पर नहीं होगा, 3 घटाने पर हो जाएगा, 6 घटाने पर नहीं होगा, 1 घटाने पर नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। दो तरीके हमने करे, एक ये एक ये, दोनों के अंदर ही हमने DS लगाया, कैलकुलेशन पूरी नहीं करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन कि भाई 10% की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी, उसके बाद फायदा हो गया 16% का, तो वही जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, MP/CP का रेशियो अगर मैं निकालता हूँ, तो यहाँ क्या आता है 100 - डिस्काउंट यानी 90 आ गया, यहाँ क्या आता है 100+ प्रॉफिट यानी 116 आ गया, ठीक है,
और ये भी कैसे आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट के। और ऐसा क्यों होता है, सेलिंग प्राइस आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मैंने जो अंकित मूल्य है उस पर छूट दी तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, या जितने की मैंने चीज खरीदी उस पर फायदा कमाया वो भी सेलिंग प्राइस हो सकता है। तो यहीं से ये रेशियो आता है कि भाई एमपी अपॉन सीपी का अनुपात कभी भी जिंदगी में निकालना है तो 100 माइनस डिस्काउंट ऊपर रहेगा, 100 प्लस प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर रहेगा, 100 माइनस डिस्काउंट नीचे आ जाएगा। उल्टा पाठ करके याद करते हैं कि भाई एमपी के ऊपर डिस्काउंट लगता है पर डिस्काउंट वाला नीचे, सीपी के ऊपर प्रॉफिट लगता है पर प्रॉफिट वाला पार्ट ऊपर, वही आपने यहाँ लगाया। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, आपको पहले से पता होना चाहिए सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पर मिलेगा। आपको 90 की वैल्यू आपको दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 648 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्या एग्जाम में आप ये सोच के जा रहे हैं कि भाई 90 को इसके नीचे ले जाएंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर 116 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी बहुत कम चल रही है और आपका सिलेक्शन अभी 2 से 3 साल दूर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना देखिए क्लास में तो ऐसे ही कराया जाता है कि भाई आपको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, पर जब बंदा पेपर में बैठता है ना तब एग्जैक्टली पता लगता है कि भाई हाँ मेरी स्टेज क्या है। मेरे को चीज़ें समझ तो आ रही थी क्लास में पर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो परफॉर्मर बनना है तो ये सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। अगर मैं देखिए काटता हूँ इसे 9 से काटता हूँ तो ये 10 हो गया, 9 से काटता हूँ 9 7 63 बचा 1 9 2 18। अब यहाँ पर 9 आ गया देखिए, तो सीधी सी बात है जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा पहली बात तो, ठीक है, पहली बात आंसर आएगा 9 का मल्टीपल, ठीक है। 9 का मल्टीपल मैं देखता हूँ, ये तो नहीं है, 8 2 10 16 8 24 ये भी नहीं है, यहाँ पर देखता हूँ 7 5 12 6 18 ये तो है, 8 2 10 और 8 18 ये भी है, 2 ऑप्शन मिल गए अब आपको यहाँ पर 9 के मल्टीपल। अब क्या करें, अब अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाऊं या फिर आपने अगर मेरी सारी वीडियो देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। आपको पता लग गया कि ये 7 गुना है, लगभग 7.2 times है पर मैं 7 गुना ही ले लेता हूँ। अगर इसका 7 गुना करेंगे 11 7 77 होता है तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए कि भाई ये जब चीजें पढ़ाई गई हैं जो आपको, उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट कितना इन्वॉल्व है, कितनी जगह ऐसा हुआ कि मैं लगातार डिवाइड करे जा रहा हूँ या लगातार मल्टीप्लाई करे जा रहा हूँ। और आप ये भी देखिए क्या ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, यानी सीपीओ 2019 ये सभी क्वेश्चन उसी के, ठीक है। तो आपको इसी डायरेक्शन में काम करना है और लगातार हमारे सेशन इसी पर ही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूँ, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए ये बोलता है कि भाई किसी वस्तु को 1134 में बेचने पर, ठीक है, 10% की हानि होती है, इतने रुपए में बेचने पर कितना फायदा होगा, ठीक है। अगर दो तरीके से अगर मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को, अगर 90 की वैल्यू 1134 है तो मैं अगर एमपी निकालता हूं, ठीक है, बाय सेलिंग आर्टिकल उसे उतना नुकसान होता है जितना उसे फायदा होता, ठीक है, 10%। तो आप देखते हैं 100% की अगर आप वैल्यू निकालते हैं, यानी 100% जो आएगा सीपी आएगा आपका, ठीक है, यानी 10% प्रॉफिट उसके बराबर है जो उसे हानि होती है इतने में बेचने पर, ठीक है। तो सीधी सी बात है सीपी का 10%, ठीक है, सीपी का 10% यहाँ हानि हो गया, यानी 90% आ गया। 90% की वैल्यू अगर ये है, 100% की मैं वैल्यू निकालता हूँ, अगर 9 से काटता हूँ, 9 एकम 9 बचा 2, ठीक है, 9 दूनी 18 बचा 5, 126 आ गया, यानी 1260 आ गए। और 1260 की चीज़ यदि वो बेचता है
इतने में, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो आप देख सकते हैं ध्यान से 1260, ठीक है, 1260 है, और ये आ गया कितना आपका 90 होगा, तो 350 हो गया, 94.50 हो गया, ठीक है, 94.5। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आप देखते हैं 12 8 96 होता है, 12 8 96 होता है, यानी 1200 भी होता तो भी ये 8% से कम ही आता, तो ये 8% से तो कम ही आएगा आंसर, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8% से कम है यहाँ वैल्यू, ठीक है, लेस देन 8%, तो आपका एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर 1134 की वैल्यू 90 है, अगर 1134 की वैल्यू 90% है, मेरे को वैल्यू निकालनी है 1354.50 की, 90% किसका है, सीपी का 90% है, ठीक है। अब यहां पर मैं निकालूंगा सीपी का कितने परसेंट आएगा, जिसे आप बोलेंगे 100+P, ठीक है, जिसे आप 100+P बोलेंगे। अगर आप काटते हैं 9 से, मैं काटता हूं, ये 10 आ गया, ये क्या आ गया, यहां पर 126 आया था, ठीक है। अब आप दोबारा से 9 से अगर काटते हैं तो ये हो गया आपका 14, और ये हो गया आपका कितना, 9 × 9 बचा 4, 9 × 5 = 45, 0.5, ठीक है, 150.5 आ गया ये आपका। अब अगर मैं देखता हूँ बहुत ध्यान से, ये तो कैलकुलेशन हो गई इतनी, अब या तो आप ये करें कि भाई इसे यहाँ ले जाएं, इसे डिवाइड करें, फिर आंसर निकालें। हर क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ जरूर किया है कैलकुलेशन को टैकल करने के लिए, और यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको लगातार घर पे भी करनी है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं डीएस लगाता हूँ, इसके अंकों का योग मैं निकालता हूँ, तो 1 हो गया 10 और 1 = 11, यानी 2 हो गया, नीचे अगर 5 है तो ऊपर 2 जाएगा, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, 4 का मतलब है इसके अंकों का योग 4 है, तो इसके अंकों का योग कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, इसके अंकों का योग 3 आ जाएगा। आप देखेंगे जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा, पर अंकों का योग 3 अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर अंकों का योग अगर आप देखते हैं 3 किसका है, तो आप देखते हैं इसका भी है और इसका भी है, दो ऑप्शन आपके अभी भी मैच कर गए हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो आप एक बात और देख सकते हैं कि भाई जो आंसर आएगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता, ठीक है, तो ये कितना आता, 1505/14, ठीक है। अब आपने एक बात देखी कि जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, 1400 अलग निकाल देता हूँ मैं, 105 अलग से बचा, तो 8 से तो कम ही आएगा, तो 8 से कम कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि भाई इस मेथड के अंदर ये जरूर हो सकता है कि आप यहाँ पर आके अटक जाएं, ठीक है, पर अगर मैं इस मेथड पे जाता तो इस मेथड में डायरेक्ट मुझे 8% से कम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप पे अगर आप देखते हैं तो डीएस हमने लगाया, ये केवल और केवल मैंने इसलिए बताया कि काफ़ी जगह ना हमें डायरेक्ट डीएस ना मिले, हो सकता है इस तरीके से मिले, केवल ये एक डायरेक्शन देने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप ये बोलते हैं कि इसकी वैल्यू 90 है, इसकी वैल्यू 120 आएगी, 120 का मतलब क्या होता है, 20% प्रॉफिट होता है, 100 घटाएंगे अंकों का योग 20 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है और इसके शायद ऑप्शन भी मेरे पास हैं, एक सेकंड रुकिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 190.40, ठीक है, 190.40 हो गया, 192.80 हो गया, ऑप्शन यहां पर नहीं लिखे हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 188.60, और अगला ऑप्शन है आपका 187.5। अब देखिए जहां इस टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं ना, पहली बात तो वही हवा खराब हो जाती है कि भाई कैलकुलेशन है काफी सारी, ठीक है,
पर मेन बात यह है कि जो बच्चे एग्जाम क्लियर करने वाले हैं उनके पास सब चीजें हैं, ठीक है, तो आपके पास भी वो सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं यहां पर वह एक वस्तु को 180 रुपए में बेचता है 20% छूट देने के बाद, ठीक है, यदि वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 20% का फायदा होता, ठीक है, तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि भाई 180 रुपए की चीज थी, 20% डिस्काउंट देने के बाद 180 रुपए में बेची गई, यानी 80% की वैल्यू है, यानी 180 को अगर मैं 5/4 से गुणा करता हूं तो ये आ गया 225 रुपए, ठीक है, तो 225 आ गया आपका, तो 225 क्या हो गया, ये एमपी हो गया, ये आपका एमपी हो गया, यानी 20% डिस्काउंट देने के बाद 180 में बेचा गया, यानी 80% की वैल्यू अगर 180 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 80 और 100 का मैं अनुपात निकालता हूँ 4:5, इसलिए मैंने 5/4 से गुणा कर दिया, 225 आपका आंसर आ गया, पर 225 क्या है, ये एमपी है। अब वो एक बात बोलता है कि अगर छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का फायदा होता, छूट अगर नहीं देता है तो एमपी ही एसपी के बराबर हो जाएगा, अगर वो छूट नहीं देता तो एमपी एसपी के बराबर हो गया, सीधी सी बात है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसी के अंदर 20% का फायदा इंक्लूड है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5, यानी जो चीज 5 की थी वो उसने 6 में बेची, 6 की वैल्यू अगर 225 है, 5 की वैल्यू मेरे को निकालनी है कितनी आएगी, ठीक है, अगेन देखिए कैलकुलेशन पार्ट आ गया क्योंकि डेसिमल में नंबर है। अब मैं एक चीज देख सकता हूँ, इसमें 3 है इसमें 9 है, तो आंसर में 3 आएगा ही आएगा, 3 किस में आया है, इसमें नहीं है, 8 और 1 9 इसमें नहीं है, 8 और 1 9 इसमें भी नहीं है, तो केवल यही ऑप्शन बचा जिसके अंदर 3 है, इसमें भी मिला के 3 आ गया, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आना तो बहुत आसान है, तो जो चीज़ मैंने सीधा यहाँ से सीधा मार्क कर दिया ना, यहाँ पर ही बच्चा कम से कम 10 से 12 सेकंड का समय लगा देगा कि भाई 225 को 6 से भाग करो, 6 से भाग करेगा पहले वो, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसे 5 से गुणा करेगा, गुणा करने के बाद फिर आंसर लगेगा, 10 सेकंड का समय कम से कम लगेगा, आप घर पे स्टॉप वॉच लगा के चेक कर लेना, तो यही काम बहुत आराम से हो जाता है उसका कि 9 इसमें है 3 इसमें, आंसर में 3 आएगा, 3 ऑप्शन कट गए, 1 ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए धीरे धीरे लगभग सभी को, धीरे धीरे लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट में हम ये देख रहे हैं कि कैलकुलेशन स्किल का इस्तेमाल आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, और आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आपकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तो डेफिनेट बात है कि एग्जाम नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेता हूँ, यदि वह 75% वस्तु 24% फायदे पर बेचती है और शेष को 40% पर नुकसान पर, ये तो सिंपल सही क्वेश्चन हो गया, ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया बेसिकली। दो तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं, ये दोनों तरीके देख लेते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, मान लेते हैं 75%, ठीक है, 75% होता है आपका 3/4, ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया 300 रुपये की चीज़ अलग से ले ली और 100 रुपये की चीज़ अलग से ले ली, ठीक है, 300 रुपये की चीज़ पर उसे फ़ायदा होता है 24% का, 24 × 72 हो गया, ठीक है, और शेष पर हानि होती है 40 की, 40 रुपये की हानि हो गई, तो जो वस्तु 400 रुपये की थी उस पर उसे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कितने का, 32 रुपये का, 400 रुपये की चीज़ पर अगर 32 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो सीधी सी बात है कितना परसेंट आ गया, 8% आ गया, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल, ठीक है, +32 प्लस है इसलिए फ़ायदा है। दूसरा तरीका ये है, 75% यानी 3/4, तो 4 में से 3 वस्तुओं को बेचता है 24% फायदे पर, ठीक है, और 1 वस्तु को बेचता है 40% हानि पर, तो आपको बताना है कुल मिला के लाभ या हानि कितना,
एलिगेशन लगाएंगे, कॉन्सेप्ट एलिगेशन का ये कहता है कि अगर इसे जोड़ोगे तो इसके अंतर के बराबर आएगा। यानी मैं बोलता हूँ कि भाई चार यूनिट की वैल्यू अगर 64 है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे चार आएगा, इसका अंतर करेंगे 64 आएगा, तो एक यूनिट की 16 हो गई। 16 का मतलब हो गया कि भाई इसकी वैल्यू जो है इससे 16 कम आएगी। 16 अगर कम करते हैं यहाँ से, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 16 हो गई, ठीक है, तो अगर आप 16 कम करते हैं इसमें से तो यहाँ क्या आएगा, 8% आ जाएगा। तो 8% का फायदा आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बेस क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, उस पर दो छूट दी जाती है, एक 20% की, एक x% परसेंट की। अगर 250 रुपये की चीज़ मैं लेकर लेने जाता हूँ बाजार में, कोई भी चीज़ आप लेने चले गए, ठीक है, कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं बाजार में जिसकी कीमत 250 रुपये टैग लगा हुआ है, आपको दुकानदार बोलता है 20% डिस्काउंट मिलेगा, आप तुरंत कहते हैं ले लो 200 रुपये 20%, क्योंकि क्या होता है 1/5 होता है, यानी 50 रुपये की छूट मिल गई, आपने 200 रुपये दे दिए। अब उसने कहा कि सर आप अगर इससे पेमेंट करते हैं ना, डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो आपको एक डिस्काउंट और मिलेगा और हम आपको इतने रुपए में चीज़ दे देंगे। अब 200 रुपये की आपको जो चीज़ मिल रही थी उस पर एक डिस्काउंट और मिल रहा है जो कि है आपका इतने का, और ये डिस्काउंट कितना हो गया। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं अगर इसे भूल जाता हूँ, 185 सब्ट्रैक्ट करता तो 15 आता, और 15 में से 0.60 घटाता हूँ यानी 60 पैसे, तो 14 रुपये 40 पैसे हो गया, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे, 9 का मल्टीपल भी आएगा और 7.2 जो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरा मानना है क्वेश्चन मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का सॉल्यूशन है, बस इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि भाई एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है, फिर भी 20% का फायदा कमाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी अगर मैं पहली लाइन ही देख लूं, तो पहली लाइन से आपको ये पता लग जाएगा कि भाई 25% की छूट देने के बाद एमपी और सीपी का रेशियो पता लग जाएगा। 25% की छूट का मतलब हो गया 75 यूनिट ये हो गया, तो ये 120 हो गया, ठीक है। अगर ये 75 हो गया तो 120 हो गया, अगर मैं काटता हूँ इसे तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। अब क्या बोलता है, पहली लाइन पढ़ते ही सीधा दिमाग में ये आ गया। अब वो बोलता है कि क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया, 5 का 20% यानी 1 बढ़ा दिया 5 पे, तो ये 6 रुपये हो गई। अब देखिए मैं लिख लिख के जरूर बता रहा हूँ, ये इसमें ही लिखने वाला पार्ट नहीं है, समझाने के लिए केवल। अब वो उस पर कितना छूट दे कि उसे उतने ही प्रतिशत का मुनाफा हो जितना पहले होता था, तो मुनाफा उतने ही प्रतिशत का यानी 20% का, तो यानी सीधी सी बात है कितने में बेचेगा, 7.2 में बेचेगा, ठीक है। 12×6 = 72, क्योंकि 20% का फायदे का मतलब क्या हो गया, 120% हो गया, 12×6 = 72 हो गया, 7.2 आ गया, 8 रुपये की चीज इतने में बेच रहा है। तो आपने देखा कि भाई इतने में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 0.8 का हो गया, तो कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें इतना करने वाला पार्ट नहीं है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को करता तो किस तरीके से करता, मैं ये करता कि भाई 120 यहाँ आ गया, 75 यहाँ आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 5 से 6 हुआ, 6 से 7.2, 8 से 7.2, यानी 90% कीमत पे मैं बेच रहा हूँ, तो 10% की छूट हो गई। अब देखिए क्या मैंने याद थोड़ी किया ये क्वेश्चन की भाई यहाँ पर ये चीज़ लिखी थी, मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया और पूरा पेन फ्री किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। देखिए पहले आप किसी वस्तु को एक मूल्य पर बेचते थे, अब क्या करते हैं, उस मूल्य पर ना बेच के उसकी 4/5 मूल्य पर बेचते हैं।
ठीक है, उस मूल्य पर ना बेच के आप उसकी 4/5 मूल्य पर बेचते हैं, तो आपको 10% की हानि होती है। यानी अगर 100 रुपए की चीज थी, 10% की हानि हो गई, तो यानी 90 रुपए की हो गई। यानी आप बोलेंगे कि भाई 4 यूनिट की वैल्यू 90 हो गई, ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना है, ठीक है। अब 4 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है, 5 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालते हैं, एक तरीका तो ये है कि इसे सॉल्व किया जाए। अगर सॉल्व किस तरीके से होगा, अगर आप देखते हैं कि भाई 4 की वैल्यू अगर 90 है तो 2 की वैल्यू 45 हो गई, 22.5 गुना। अगर मैं इसका 22.5 गुना करता हूँ तो 20 का 5 गुना तो 100 हो गया, 100 तो हम भूल ही जाते हैं, 2.5 का 5 गुना बचा जो कि 12.5 आ गया, तो 112.5 आएगा। पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखते हैं 20×5=100, 2.5 का 5 गुना, ठीक है। दूसरा आप ये भी कह सकते थे कि भाई अगर 4 की वैल्यू 90 है, बात समझिएगा, जो चीज़ हमने पकड़ी है वो लगातार लगाए जा रहे हैं हम, 4 की वैल्यू 90 तो 5 की क्या आएगी, आपको पता है 100+P आएगा, ठीक है। जैसे 112.5 आया, इसके अंकों का योग क्या है, 9 है, तो इसके अंकों का योग 9 आएगा, 9 का मतलब भाई ये 8 आएगा, तो जो भी फायदा होगा उसके अंकों का योग 8 होगा। आपने देखा ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, और आज के सेशन के साथ साथ हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस का CPO का पार्ट जो करंट में 2019 में आया था वो पूरा खत्म कर लिया, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई सभी चैप्टर्स का, जैसे हमने कोशिश करी SICI की, उससे पहले हमने रेशियो के क्वेश्चन डाले, फिर उसके बाद हमने देखा कि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे काम कर रहे हैं, आगे आपका परसेंटेज वगैरह भी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि CPO से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अभी लगातार आपको सोल्यूशन के साथ अलॉन्ग विद PDF आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर लें जिसने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है, और PDF में भी मैं सोल्यूशन लिख के दे रहा हूँ आप सभी को, जिससे समझने में भी आसानी रहे, और अगर आप वीडियो साथ के साथ देखते हैं तो बहुत आराम से चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सेशन अब कंप्लीट हो गया है, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको वीडियो को, चाहे शेयर करें ना करें, पर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक बेहतरीन नेक्स्ट सेशन के अंदर, एक बेहतरीन शुरुआत के साथ। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ आपको सिखाई जा रही है वो आप लगातार अपनी डेली लाइफ में लगा रहे हैं, और देखिए अगर आप डेली लाइफ में नहीं लगा रहे ना तो चीज़ें पेपर में नहीं लगने वाली हैं, और काफ़ी सारी चीज़ जैसे DS कॉन्सेप्ट और MG कॉन्सेप्ट, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जो लगातार हम सभी वीडियोस में दिखा रहे हैं आपको कि इस तरीके से पेपर में लग सकता है। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, ठीक है, उसके बाद इस कंटेंट पर आएँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।